हेलो स्टूडेंट्स, हमारे हिंदी के अभ्यासक्रम का आठवां लेसन जिसका शीर्षक है गुलमर्ग की खिड़की से एक रात। अभी आपने शीर्षक में पढ़ा कि गुलमर्ग की खिड़की। अभी गुलमर्ग एक जगह का नाम है जो जम्मू कश्मीर में बारामुल्ला घाटियों के बीच में एक जगह है, उसका नाम है। तो वहाँ जब लेखक जाते हैं और अपना जो अनुभव है वर्णन यहाँ पे किया गया है। अभी ये जो गुलमर्ग की बात करी है उन्होंने, तो ये जो पूरा लेसन है एक यात्रा वर्णन है। यात्रा वर्णन माने क्या कि जब जो ये लेखक है मोहन राकेश जी, वो जम्मू कश्मीर में, ऐसे तो गुलमर्ग कई बार गए हैं, लेकिन हमें पता है कि जिस जगह पे अगर आप कभी कभी ऐसा होता है कि कितनी ही भी बार ठहरो तो उस जगह की खूबसूरती जो है वो सीज़न सीज़न वाइज अलग आपको दिखती है। तो यहाँ पे भी लेखक को ऐसा ही कुछ अनुभव हुआ है। तो इसके विषय में ये पाठ दिया गया है। मोहन राकेश उनके लेखक है, जिनका जन्म हुआ सन 1925 में और निधन हुआ 1972 में, बराबर। अभी लेखक के विषय में हम थोड़ी जानकारी प्राप्त कर लेंगे, उसके बाद यहाँ पे ज़रा सा दो लाइन में एक कम के रिलेटेड, माने के पाठ के रिलेटेड, गद्य के रिलेटेड दिया गया है, उसके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। चलिए, तो मोहन राकेश का जन्म जलंधर पंजाब में हुआ था। इनके पिता व्यवसाय से वकील थे, परंतु उनकी साहित्य में बहुत रुचि थी, अतः राकेश को बचपन से ही घर में पर्याप्त साहित्यिक वातावरण प्राप्त हुआ। इन्होंने हिंदी तथा संस्कृत में एमए तक शिक्षा प्राप्त करी और तत्पश्चात डीएवी कॉलेज जालंधर में हिंदी विभाग के अध्यक्ष के रूप में अध्यापन कार्य किया। कुछ समय तक इन्होंने सारिका कहानी पत्रिका का सफल संपादन किया और बाद में स्वतंत्र लेखन करते रहे, बराबर। आगे देखते हैं, स्वतंत्र लेखन करना माने खुद से खुद के लिए और एज अ राइटर। आगे देखिए, कहानी लेखन के साथ साथ इन्होंने उपन्यास और नाटक भी लिखे। इनकी प्रमुख रचनाओं में इंसान के खंडर, नए बादल, एक और आदमी आदि कहानी संग्रह तथा अंधेरे बंद कमरे, न आने वाला कल प्रसिद्ध उपन्यास है। आषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरे तथा लहरों के राजहंस इनके प्रसिद्ध नाटक है। मोहन राकेश मूलतः एक सफल कहानीकार तथा नाट्यकार है। यहाँ पे नाटककार दिया लिखा हुआ है, वैसे भी लिख सकते हैं। अभी मैंने आपको बताया, अगर कोई यूनिट टेस्ट में या सेमेस्टर एग्ज़ाम में कभी भी आपको एनुअल एग्ज़ाम में पूछा जाए कि ये जो एकम है, ये जो पाठ है, ये जो गद्य है, इसका प्रकार क्या है, तो इसका प्रकार आपको याद रखना है यात्रा वर्णन, बराबर। यात्रा वृत्तांत लिख सकते हैं, यात्रा वर्णन लिख सकते हैं, यहाँ पे दिया गया है, बराबर। तो ये इसका प्रकार है, तो आप ध्यान में रखिएगा। चलिए, अभी हम इसका आगे देखिए पाठ के विषय में। गुलमर्ग की खिड़की से एक रात परिवेश से लिया गया है। इस यात्रा वृत्तांत में लेखक ने गुलमर्ग के प्राकृतिक सौंदर्य का स्वानुभूत विवरण प्रस्तुत किया है, बराबर। गुलमर्ग जो है, हमें वैसे भी पता है कि जो जम्मू कश्मीर है वहाँ का कुदरती सौंदर्य बहुत ही बढ़िया होता है, और उसमें भी कुछ कुछ जो सीज़न होती है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा पर्यटक वहाँ पे जाते हैं पर्यटन करने के लिए। तो वहाँ पे ये जब लेखक जब गए हैं, तो उन्होंने पहले तो क्या किया कि सबसे पहले फर्स्ट टाइम वो गए थे गुलमर्ग, तब उन्होंने लगभग 1 आवर में पूरा गुलमर्ग का सौंदर्य देख लिया। तब उन्होंने इतना अच्छी तरह से इन डिटेल देखा नहीं, लेकिन 2-3 बार वो वापस गए वहाँ पे, तो उनको ज़्यादा वो जगह अच्छी लगने लगी। वहाँ पे खिले हुए फूल,
पूरे गार्डन ये सब उनको बहुत ही अच्छा लगने लगा। तो उसका विवरण मतलब कि उसकी बात यहाँ पे करी हुई है। गुलमर्ग का सारा वातावरण इनको अपने में समाया सा लगता है। गुलमर्ग की एक रात का अकल्पनीय सौंदर्य इनसे भुलाया ही नहीं जाता। बराबर, चलिए पढ़ते हैं, शुरू करते हैं लेसन। कुछ जगह होती है जिन्हें आँख एक बार देखती है तो चौंक उठती है, फिर धीरे धीरे परिचित होकर उदासीन हो जाती है। गुलमर्ग कुछ ऐसी ही जगह नहीं है। गुलमर्ग ऐसी जगह नहीं है। क्या बोलते हैं कि कुछ कुछ जगह, लेकर कहते हैं कि कुछ जगह ऐसी होती है कि आप पहली बार देखो ना तो एकदम से आँख चौंक जाना, मतलब आँखें चौंक उठती है, मतलब क्या कि एकदम से आपको अपनी तरफ आकर्षित करती है, एकदम से अच्छी लगती है। और बाद में क्या होता है कि हम उस जगह से परिचित होते हैं, फिर हम उदासीन हो जाते हैं कि एक ना एक जगह पे कैसे जाना, वो नहीं अच्छा लगता ऐसा। पर गुलमर्ग जो है वो ऐसी जगह नहीं है, ऐसा यहाँ पे बताया गया है। लेखक कहते हैं, मैं जब पहली बार गुलमर्ग गया तो मुझे वहाँ कुछ भी असाधारण नहीं लगा। एक खुला सपाट मैदान, देवदारों के घने झुरमुट से झुरमुट और बस। तब मैं घंटे भर में सारा गुलमर्ग देख आया था। क्या कहते हैं यहाँ पे लेखक कि मैं जब फर्स्ट टाइम वहाँ पे गुलमर्ग में गया ना, तब मुझे कोई असाधारण, मतलब एकदम साधारण चीज़ें, एकदम ऐसी चीज़ें लगी कि जैसे दूसरी जगह होती है वैसी ये वाली है, उसमें कुछ स्पेशल चीज़ मेरे को दिखी नहीं। एक खुला और सपाट मैदान था वहाँ पे, और देवदारों के घने झुरमुट मतलब पेड़ बराबर, और बस यही सब चीज़ें देखी। ऐसा आगे देखते हैं, मगर बाद में महीनों वहाँ रहने पर एहसास हुआ कि पहली बार तो क्या, बाद में भी कभी उस स्थान को पूरा नहीं देख पाया, उसे पूरा कभी देखा ही नहीं जा सकता। लेखक क्या कहते हैं कि पहली बार मैं गया था तो थोड़े महीनों बाद मेरे को एहसास हुआ, वहाँ पे थोड़े महीने मैं रहा, बाद में एहसास हुआ कि पहली बार में तो गुलमर्ग पूरा देखा ही नहीं जा सकता, लेकिन आप कितना भी देखो ना तो भी गुलमर्ग पूरा आप देख ही नहीं सकते। ऐसा अभी आपको पता है कि कई सारी जगह, जैसे कि यहाँ पे बात की है जम्मू कश्मीर में कितनी ही ऐसी खूबसूरत हसीन वादियाँ हैं, खूबसूरत जगह है, इसीलिए कई फिल्मकारों को और कितने ही ऐसे लोग हैं, मतलब पर्यटकों को, हमने जैसे बात करी तो फिल्मकार वहाँ पे फिल्म्स बनाने जाते हैं, मूवीज़ में भी आप देखते हैं कि वहाँ की सुंदरता कितनी अच्छी होती है, फिर पर्यटक वहाँ पे पर्यटन करने जाते हैं तो वहाँ पे झील होती है उसकी, उसमें बैठकर उसका आनंद उठाते हैं। तो ऐसी जगहों पे आप कितना भी रहो आपका जी नहीं भरता है। तो यहाँ पे लेखक वही बात कर रहे हैं। आप देखते हैं अभी आगे, शायद यही कारण है कि गुलमर्ग में रहकर वहाँ के साथ व्यक्ति की आत्मीयता धीरे धीरे इतनी गहरी हो जाती है कि वह अपने को भी उस सपाट मैदान के एक हिस्से के रूप में ही देखने लगता है। क्या कहते हैं यहाँ पे लेखक कि गुलमर्ग में जो व्यक्ति रहता है ना, उसके साथ एक दिल का नाता बन जाता है उस जगह के साथ, तो अपने आप को वो जगह के साथ कनेक्टेड पाता है। इसका मतलब ये है, कांपती तितलियों, उठते बादलों और बर्फ़ से चमकती पहाड़ियों की तरह दूसरी और वह पूरा विस्तार जिनमें वह स्वयं भी रहता है उसे अपने में समाया सा लगता है। बराबर, कैसे खुद को कनेक्टेड पाता है, कांपती तितलियों, बादलों और बर्फ़ से चमकती हुई पहाड़ियों की तरह, और दूसरी किस तरह अपने को कनेक्टेड पाता है उस जगह पे कोई भी व्यक्ति के वो पूरा जो विस्तार है उसमें वह स्वयं भी रहता है, मतलब कि हर एक चीज़ वहाँ पे जो खिलते गुलाब है, वहाँ की पहाड़ियाँ है, उस सारी चीज़ों में खुद को कनेक्टेड पाता है, जैसे वो हर एक चीज़ में बसता है वो इंसान, ऐसी उनको अनुभूति होती है। आगे देखते हैं, उसे अपने में समाया सा लगता है। सूर्योदय और सूर्यास्त, आपको पता है ना कि कुछ कुछ जगह पे जब जहाँ खास करके पहाड़ी जो इलाका हो वहाँ पे सनराइज़ और सनसेट
वो पॉइंट्स होते हैं और वो बहुत ही खूबसूरत, उस समय पर अब देखो तो बहुत ही खूबसूरत नज़ारा होता है। दोनों संध्याएं, घना कोहरा, पीली धूप और सब कुछ बराबर, एकदम से बर्फीली चादर एकदम छा गई हो पहाड़ियों पे और ज़रा ज़रा सी धूप आए तो इतना सुंदर वातावरण दिखता है, यहाँ पे ऐसा बताया है। उसे अपने में समाया सा लगता है। हाँ, ये तो हो गया, आगे देखते हैं। इसलिए जब व्यक्ति गुलमर्ग से चलता है तो एहसास होता है अपने से ही बिछुड़ने का, अपने उस रूप से जो जो कि इतना परिचित होते हुए भी सदा अपरिचित बना रह जाता है। यहाँ पे लेखक क्या कहते हैं कि कोई व्यक्ति इतने मतलब थोड़े टाइम के लिए भी गुलमर्ग में रहता है, फिर वहाँ से जैसे ही वो जाता है तो उसको ऐसा एहसास होता है कि खुद से कोई चीज़ छूट रही है, कोई बिछड़ रही है कोई चीज़, ऐसा उनको अनुभव होता है। मतलब इतनी प्यारी जगह है वो। आगे देखते हैं। गुलमर्ग में सपने फूल बनकर उगते हैं, हरियाली के आर पार, लाल लाल छतों के ऊपर, आकाश में। बहुत मतलब सपने फूल बन के उगते हैं, मतलब कि बहुत ही सुंदर नज़ारा देखने के लिए मिलता है। आंखें मुग्ध होकर देखती रहती हैं और फूलों में नए नए रंग भर जाते हैं। आंखें मुग्ध होकर देखती रहती है, मतलब कि हमारी आंखें एक नज़ारा देखें या दूसरा नज़ारा देखें, इतना सुंदर नज़ारा। और फूलों के नए फूल डिफरेंट कलर के वहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं। वातावरण में नई नई कोपले फूक जाती है, मतलब खिलना वातावरण में, जैसे कि जैसे एक एक दो दो घंटे पार होते हैं वैसे वैसे नया एकदम एटमॉस्फेयर आपको देखने के लिए मिलता है, नया ही एटमॉस्फेयर खिल जाता है। कोपले फूकना माने क्या? खिलना। हर क्षण नए नए अनुभव, नए रोमांच की सृष्टि होती है बराबर। हर क्षण आपको कुछ ना कुछ नया देखने के लिए मिलेगा। बादलों के पोर्टिको के नीचे और लोग बाहें फैलाकर घास पर बैठे रहते हैं बराबर। आप देखोगे तो वहाँ पे ऐसे बोलते हैं कि जैसे जो भी पर्यटक आते हैं वो बादलों के नीचे बाहें फैलाकर बैठे ही रहते हैं। दूर दूर तक सैलानियों की पंक्तियाँ, घोड़े दौड़ती नज़र आती हैं। सैलानियों की पंक्तियाँ माने क्या? लाइन बराबर। सैलानियों मतलब क्या? विजिटर्स, जो सैल करने के लिए निकले हैं, वो पर्यटक भी बोल सकते हो आप तो। और कई कई लोग ऐसे इतना चल नहीं पाते, क्योंकि आप चल के देखने जाओ तो बहुत ही पहाड़ी इलाका है, तो जिसको भी प्रॉब्लम होता है बहुत सारा चलने में, तो उनके लिए घोड़ों की व्यवस्था करते हैं, तो ये सब देखने के लिए मिलता है। रंगों के कुछ बिंदु हरियाली के पट पर जहाँ तहाँ छिटके हैं। रंगों के बिंदु माने अलग अलग कलर्स के बहुत सारे पेड़ होते हैं, फूल होते हैं, वैसी बात करिए। सहसा प्रकाश से नन्ही नन्ही पारदर्शक बूंदें पड़ने लगती हैं। रंगीन बिंदुओं का पूरा विस्तार एक बार सिहर जाता है और अपने को समेटने लगता है। मतलब एकदम से थोड़ा सा सूर्य प्रकाश पड़े तो छोटी 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 बर्फ में से बूंदें पड़ने लगती हैं, और जो ये वातावरण सूर्य प्रकाश के कारण, फूलों के कारण, पेड़ों के कारण अलग अलग कलर का देखने को मिलता है, वो पूरा विस्तार का जो नज़ारा है वो हमारी नज़र के सामने पूरा धीरे धीरे समेटने लगता है। हरियाली का सपना कुहासे के फूल में बदल जाता है। मैदान सुरमई आभा ओढ़ लेता है। अब चारों तरफ धुंध ही धुंध है, मतलब शाम होने को आई है तो अभी थोड़ा थोड़ा धुंधलापन आ जाता है बराबर। ऐसी बात करिए कि हरियाली, हरियाली मतलब क्या? ग्रीनरी। अभी थोड़ी शाम ढलने को आई है तो अभी हर एक चीज़ धुंधली दिखाई देगी ऐसा। और बेबस होकर फैली पगडंडियों की पतली पतली नरम बाहें, जब तक बादल बरसेगा बाहें फैली रहेगी, ऐसी ही कोमल, विस्मृत और निझा बराबर। यहाँ पे क्या बताया है कि थोड़ी थोड़ी धुंध फैलने लगती है और पगडंडी पर पतली पतली नरम बाहें, मतलब पगडंडी मतलब क्या? जो
पैरों से चल के जाने वाला जो रास्ता होता है उसे पगडंडी बोला जाता है। तो वो पगडंडी भी ज़रा ज़रा से दिखने लगती है, और धीरे धीरे अभी ऐसा होगा कि बादल बरसेगा, मतलब बारिश होने की भी आशंका है। चलिए आगे देखते हैं। सूरज चमकेगा तो फूल में से नया सपना जन्मेगा। आकाश में बादलों के नन्हे नन्हे द्वीप इधर उधर भटकते फिरेंगे। भेड़ों और बकरियों के रेवड़ पगडंडियों पर टंग जाएंगे। दिन दिन तक रात की प्रतीक्षा करता सा प्रतीत होगा। रात आएगी तो सब कुछ खामोश हो जाएगा। मैदान की वह खामोशी भी जो दिन के समय इतनी वाचल हो जाती है। यहाँ पे क्या कहते हैं लेखक कि जो वातावरण पहले कुछ और होता है वो बाद में रात के समय कुछ और हो जाएगा। सुबह कैसा वातावरण होता है, जैसे सूरज चमकता है तो फूल उसके साथ खिलते हैं, नए सपने जन्मते हैं, और आकाश में बादलों के नन्हे नन्हे द्वीप, मतलब पहाड़ियाँ इतनी ऊंची है कि जैसे आकाश को छूने लगती है, तो जैसे आकाश में नन्हे नन्हे द्वीप लग गए हो ऐसे दिखने लगता है। और जो पगडंडी है, जो पैरों से चलने वाले रास्ते हैं, वहाँ पे भेड़ और बकरियाँ दिखने लगती हैं। परंतु धीरे धीरे क्या होगा, रात होगी तो ये सारी चीज़ें कैसी हो जाएगी, खामोश हो जाएगी, मतलब सब अपने अपने घर में सब अपनी अपनी तरह से रह जाएंगे। भेड़ बकरियाँ भी अपने खूंटे से बंध जाएगी। वैसे जो पहले इतनी वाचाल थी, मतलब दिन में जो इतना शोर था, वाचाल होना मतलब जो आवाज़ थी, वो रात को कैसी हो जाएगी, खामोश। गुलमर्ग की वह रात मुझे कभी नहीं भूलेगी। लेखक कहते हैं कि मुझे वो जो गुलमर्ग की रात है वो मैं कभी भूल नहीं पाऊंगा। मैं होटल की खिड़की में खड़ा था। दूर, बहुत दूर सामने से एक बरसती घटा मेरी तरफ बढ़ती आ रही थी। बरसती घटा मेरी तरफ बढ़ती आना, मतलब लेखक क्या कहते हैं कि मैं होटल की खिड़की में खड़ा हुआ था तो दूर से एक घटा, बादल की घटा जो है वो मेरी तरफ, बरसती घटा मेरी तरफ आ रही थी। ज़रा ज़रा सा बारिश की बूंदें आ रही थी। मैं प्रतीक्षा कर रहा था कि कब वह मुझे मुझ तक पहुँचे और मुझे अपने में लपेट ले। अभी आपको पता है कि कुछ कुछ जगह पे आप ऐसे पहाड़ी इलाके में जाओ तो जैसे बादलों को हाथ में भी आप पकड़ सकते हो, ऐसा आपको एहसास होता है। तो यहाँ पे भी गुलमर्ग में वैसी ही जगह है। तो लेखक कह रहे हैं कि मुझे ऐसा, मैं इस चीज़ की प्रतीक्षा कर रहा था, वेट कर रहा था कि कैसे वो बादल की घटा मेरे को आके छुए और मुझे अपने में लपेट ले। बरसती घटा बरसती घटा में घिर जाने से बड़ा सुख मैंने बहुत कम जाना है, कि ऐसा सुख मैंने कभी भी जाना नहीं है, ऐसी चीज़ें मैंने कभी एक्सपीरियंस नहीं करी है। ऐसा घटा ऊपर से घिर आए और व्यक्ति को छोटा करके उस पर छा जाए, मतलब कि हमारे ऊपर ये बादल की घटा छा जाए तो व्यक्ति को कैसा एहसास होता है, खुद को छोटा महसूस करता है, और इतना इतना सुंदर, इतना अच्छा महसूस होता है कि इसकी क्या बात करूं। यह इससे अलग स्थिति है। इस बार आती हुई घटा का हर संकेत मेरे सामने था और मैं उसके बराबर बराबर का होकर अपनी खिड़की में खड़ा उसे बुला रहा था कि आ आ आ। बराबर लेखक क्या कहते हैं कि जैसे मैं ऐसा वेट कर रहा था कि कैसे वो घटा मुझे छुए, बरसती हुई घटा, और जैसे कि मैं वेट कर रहा हूँ और उसे बुला रहा हूँ कि मेरे को आके मेरे ऊपर बरस, ऐसा। चलिए आगे देखते हैं। मैं तुझसे कमज़ोर नहीं। हवा तेज थी मगर घटा तेज़ी से नहीं बढ़ रही थी, हालांकि तूफान बहुत उठा हुआ था। लेखक क्या कहते हैं कि बहुत हवा तेज़ थी, फिर भी वो जो बादल की घटा है, बरसती हुई घटा, वो मेरे तक पहुंच नहीं रही थी। तूफान भी बहुत था तो भी बार बार जोर की गरज होती थी जिससे धरती और आकाश की शिराएं कांप उठती थी जोर जोर से। आपको पता है कि बारिश में कैसे सीजन, कैसी बिजलियाँ चमकती है और कैसी बादलों की गरज होती है, वैसा ही वहाँ पे वातावरण था। बार बार सामने के चित्रपट पर बिजली कौंधती थी, माने मेरे सामने बिजली पूरा चमकती थी एकदम जोर से, और प्रकाश का वह भयानक विस्फोट हर चीज़ को नंगा कर जाता था। जो एकदम बिजली का जोर से बिजली की आवाज़ आती थी और
उस जरा से समय में 1-2 सेकंड के लिए जो वहाँ पे विस्फोट माने के जोर से आवाज़ आना वो आता था, और वो जो चमक थी वो हर एक चीज़ उतनी ही सेकंड के लिए सारी चीज़ें मेरे को दिख जाती थी वहाँ पे। मतलब वहाँ का पूरा एटमोसफियर बिजली की चमक की वजह से मेरे को दिख पाता था, और इतनी डरावनी आवाज़ थी उसकी। मैं खुश था कि थोड़ी देर में ये बूंदें मेरे ऊपर बरसेगी, बिजलियों का यह कहर मेरे ऊपर टूटेगा। मैं बाहें फैलाकर सामने से उसे अपने ऊपर लेने के लिए तैयार था। देखा क्या कहते हैं कि मेरे को इतनी खुशी हो रही थी कि ये बादल बरसते हुए बादल कब मेरे को मेरे पे आके बरसेंगे, तो मैं बाहें फैलाकर उनका स्वागत करने के लिए तैयार था। मतलब अत्यंत आतुरता से, बाहें फैलाकर स्वागत करना मतलब अत्यंत आतुरता से स्वागत करना। मगर अचानक हवा रुक गई, बढ़ता हुआ तूफान जहाँ का तहाँ ठिठक गया, और दूर ही पर कटे पक्षी की तरह दम तोड़ने लगा। अचानक से क्या हुआ, हवा भी रुक गई और तूफान भी रुक गया, ठिठक गया मतलब रुक गया वो भी। और जैसे कोई दूर पर ही कटे पक्षी की तरह दम तोड़ने लगा, मतलब कोई पक्षी की ऐसे पंख उनके कट गए हो, और कैसे वो खुद को बेबस महसूस करता है, वैसे ही अभी जो बरसात थी वो रुक गई थी। बिजली की सांस रुकने लगी और मेरी भी, क्योंकि हवा के रुक जाने से मुझे भी बहुत ऊंचे आसमान से नीचे आना पड़ा था। क्या कहते हैं कि बिजली की सांस रुक गई, बिजली की सांस नहीं होती वैसे, लेकिन मतलब बिजली होना बंद हो गया, ऐसा जो आसमान में बिजली हो रही थी वो रुक गई थी। और यहाँ पे लेखक कहते हैं कि मेरी भी सांस रुक गई थी। क्यों? क्योंकि मैं सडनली ऐसा महसूस करने लगा था कि मैं जैसे आकाश में पहुँच गया हूँ। लेकिन जैसे ही ये सारी चीज़ें बंद हो गई, तूफान बंद हो गया और हवा भी धीरे धीरे बंद हो गई आना, बहुत जो तेज़ी से आ रही थी वैसी धीरी हवा आ रही है, लेकिन तेज़ी से जो हवा आने बंद हो गई, तो जैसे मैं भी खुद को अभी ज़मीन में पड़ा हुआ पाने लगा, आसमान से सीधा ज़मीन पे गिरा हूँ ऐसा मुझे लगने लगा। तूफान का जोम उतर गया और उसके साथ मेरा भी, मतलब तूफान जो एकदम ज़्यादा था वो अभी रुक गया है, मैं उसके बराबर का कभी नहीं हो सकता। अभी एटमॉस्फेयर में जो चेंजेस होते हैं उसके साथ साथ हम अपने को ढाल सकते, लेकिन हम उसका उसकी कंपैरिजन नहीं कर सकते, तो लेखक यही कह रहे हैं। वे ऐसे क्षण थे जो जीवन में दो एक बार ही आते हैं। गुलमर्ग में रहते हुए ऐसे क्षण हर किसी के जीवन में किसी न किसी रूप में अवश्य आते होंगे। मतलब ऐसे क्षण मतलब वो ऐसी थोड़ी मेरी यादें थी, वो मेरे जीवन में शायद ही एक बार, 1 या 2 बार मुझे मिली होगी ऐसा। कभी तो सॉरी तभी तो मुद्दत तक वहाँ रह चुकने पर भी कोई आकर्षण व्यक्ति को फिर खींचकर वहाँ ले जाता है, वरना वहाँ के क्या एक खुला सपाट मैदान जहाँ ज़्यादा गोल्फ खेली जा सकती है। क्या कहते हैं कि आप कितना भी वहाँ पे रह लो तो भी वहाँ का आकर्षण ही ऐसा है कि व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति को वहाँ पे बार बार जाने के लिए मजबूरी करता है। बाकी वहाँ पे है क्या? गोल्फ खेलने के लिए एक बड़ा सा और सपाट मैदान है जहाँ पे गोल्फ खेली जाती है। व्यक्ति क्यों बार बार वहाँ आना चाहता है? क्यों बार बार वहाँ पे कोई व्यक्ति आना चाहता है? क्योंकि उनको वो जो गुलमर्ग का पूरा सुंदर वातावरण है वो अपनी तरफ खींचता है। इसीलिए क्या गोल्फ खेलने के लिए ही, सिर्फ गोल्फ खेलने के लिए तो नहीं आता होगा? तो वो गोल्फ क्या है आपको पता होना चाहिए ना, एक प्रकार का खेल है, तो सिर्फ वो खेलने के लिए तो नहीं आता होगा, वहाँ के सुंदर नज़ारे उसकी अनुभूति करने के लिए आता होगा ऐसा। वो वादियाँ हैं, वो फूल हैं, वो जो अलग अलग प्रकार के जो पेड़ हैं वो सब देखने के लिए आता है, झील, तो इसलिए आता होगा। यहाँ पे हमारा ये गद्य ख़त्म होता है। सो स्टूडेंट्स, आपको इसके शब्दार्थ और पूरा स्वाध्याय लिख देना है अच्छी तरह से अपनी नोटबुक में, और ट्यूसडे तक चेक करवा देना है। थैंक यू सो मच।